ක්‍ර්ණාය වාසුදේවාය හරයේ පරමාත්මනය ප්‍රනතක්ලේෂනාශාය ගෝවින්දාය නමෝනවා. ක්‍රෂ්ණක්‍රිෂ්ණ මහායෝගින් භක්තානාමවයන් කර ගෝවින්ද පරමානන්ද සර්ව මේ වශමානය. මූකම් කරෝතිවාචාලම් පංගුම් ලංගයතේ ගෙනම් යත්කෘපා තමහම් වන්දේ පරමානණන්ද මාතප. ओम नमो नारायणा नमो भगवते वासुदेवाय नमो भगवते वासुदेवाय नमो भगवते वासुदेवाय गुरु भगवान श्री स्वामी शिवानंद जी महाराज को प्रणाम परमात्मा के प्रत्यक्ष सर्व गुरुदेव श्री स्वामी चिदानंद जी महाराज को प्रणाम जगत गुरु भगवान श्रीकृष्ण को प्रणाम जी को प्रणाम अर्जुन को प्रणाम तमाम ऋषि मुनियों को सबको प्रणाम सभी का मंगल हो शुभ कल्याण हो इस अध्यात्मानंद के शरीर यात्रा के जब पचहत्तर साल पूरे हुए तो अनेक लोगों ने शुभे कही है किंतु जो सबसे बड़ा तोहफा मिल रहा है वह है अहमदाबाद तक उन्होंने निर्णय किया है स्वामी जी हर ईतवार को हम थोड़ा सा गीता का अमृत बिंदु गीता का थोड़ा चिंतन लेकर के हम भक्तों के पास जाएं, तो हम अहमदाबाद तक और उनके अधिष्ठाता आदरणीय श्रद्धेय श्री हर्षेन ओझा जी का आभार व्यक्त करते हैं हमें गीता के बारे में कुछ कहना है जगत में बहुत लोगों ने कुछ कहा है एक अद्भुत बात है वेदव्यास जी शंकराचार्य जी संत ज्ञानेश्वर जी पूज्य विनोबा भावे महात्मा गांधी जी लोकमान्य तिलक और कृष्ण प्रेम योगी कृष्ण प्रेम गुरुदेव स्वामी शिवानंद जी महाराज स्वामी चिदानंद जी महाराज स्वामी कृष्णानंद जी महाराज पूज्यपाद ब्रह्मलीन श्री स्वामी छिन्मानंद जी महाराज अनेक लोगों ने देश विदेश में मैक्स मूलर भी तो गीता की व्याख्या की है और रामकृष्ण मिशन के स्वामी गंभीरानंद जी महाराज ने भी और रामकृष्ण तपोवन दक्षिण भारत में भी और रामकृष्ण मठ मिशन के दिवंगत परमाध्यक्ष परमादरणीय ब्रह्मलीन श्रद्धेय श्री 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 स्वामी रंगनाथानंद जी महाराज का भगवत गीता के विषयक एक उद्बोधन ये मॉस्को यूनिवर्सिटी में हुआ तो एक लाख प्रत बिकी थी ऐसा गीता में क्या है गीता में बहुत कुछ है गीता का मंथन करते चले जाएं नए नए रत्न नए नए मणि नए नए माणिक नए नए पोखरा नए नए नीलम मिलते रहेंगे इसलिए गीता का चिंतन पाँच हजार वर्षों से होता ही चला जा रहा है ये वो बात नहीं है कि चार अंधे आए और एक ने सूंड पकड़ी और एक ने पूंछ पकड़ी एक ने शरीर पकड़ा एक ने खंभा पकड़ा किसी ने कहा कि ये हाथी खंबे जैसा है किसी ने कहा रस्सी ना 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 ऐसी बात नहीं है ये गीता एक इतना बड़ा मधुर फल है अमृत से भरा हुआ किंतु उसके बारे में ये सोचना पड़ेगा कि जैसे कि समुद्र मंथन में पहले विष निकला था बाद में अमृत हुआ तो गीता की व्युत्पत्ति के पहले भी एक बहुत बड़ा दलदल था और वो है महाभारत ये महाभारत का जो युद्ध अगर नहीं होता था तो हमें गीता नहीं प्राप्त होती थी और युद्ध होने के लिए हमको महाभारत को पीछे से देखना पड़ेगा युद्ध हुआ क्यों देखिए लेट अस गो बैक अस्तिनापुर के राजा प्रतीप थे और प्रतीप ने एक दिन गंगा तट पर एक सुंदरी को देखा कहा वो भो, भो सुंदरी आइए और उसका हाथ पकड़ के अपने दाहिने उू पर बैठाया वो छल छल करके हंसने लगी ये दइना उरु तो कन्या का होता है बाया है वो पत्नी का होता है मैं आपकी पत्नी नहीं बन सकती हूँ मैं आपकी कन्या के समान हूँ प्रति बड़े दुखी थे किंतु उनका पुत्र शांतनु था उन्होंने भी गंगा को देखा था और गंगा ने कहा मेरा एक वादा करो मैं कुछ भी करूँगी आप रोकेंगे भी नहीं टोकेंगे भी नहीं और हमें सब पता है हमने सुना भी है पढ़ा है और ये सीरियल महाभारत में देखा भी है उसने छह पुत्र गंगा जी में बहा दिए हैं बहते पानी में क्या कोई माता ऐसा कर सकती है कोई भी बात हो वो स्वर्ग की जगदम्बा के समान गंगे त्रैलो के सारे सकल सुरवधु धुक्त विस्तीर्ण तोये पूर्ण ब्रह्म स्वरूपे हरिचरण रजो हरिणी स्वर्ग मार्गे यदि श्याव जल कणिका ब्रह्म हत्यादि पापे कस्ताम स्तोतुम समर्थ श्री जगदत हरे देवी गंगे प्रसिद्ध और भगवान भाष्यकर आदि शंकराचार्य जी ने भी कहा है भगवद्गीता किंचितीता गंगा जल लव कणिका पीता गंगा जल का एक बिंदु और हमारे भगवत गीता का एक मंत्र ये हमें मुक्ति दिलाने वाला है तो ऐसी गंगा किंतु वो गंगा अलग है और यहाँ ये गंगा अलग है क्योंकि ये मानव शरीर धारण करके आई है फिर भी वो माँ है और वो माँ तो है मान लिया उसको तो नहीं बहाना चाहिए किंतु पिता को क्या हो गया था पिता क्यों उसको रोकते नहीं वो मैंने वचन दिया है इट्स ओके वचन दिया है तो एक पुत्र दो पुत्र तीन चार पाँच छ तुम देख रहे हो ऐसे करके रहते हो और जब पूरी प्रजा ने छटपट 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 करने लगा पूरी प्रजा है वो दुखी होने लगी क्लांत होने लगी तब राजा को लगा है कि उचित नहीं है ये मेरे ही पुत्र नहीं है हस्तिनापुर के भावी साम्राज्य के राजकुमार है तब गंगा जी को रोक दिया क्यों नहीं रोका था क्योंकि उसके मन में एक कामना थी और एक वासना थी अगर मैं इसको रोकूंगा तो ये सुंदरी स्त्री चली जाएगी सुंदरी जो है ना ये बड़ी मुश्किल बात है ये कामना और वासना इन दोनों शब्दों को समझना चाहिए गीता हमारे पास यही संदेश लेकर के आती है गीता कहती है काम ना छोड़ो कामना छोड़ो गीता कहती है वास ना छोड़ो वासना छोड़ो तो हमें कामना का त्याग करना है काम का त्याग नहीं करना है हमें परमात्मा के अनिश्चिंत माँ ये जन पर्युपासते तेषा नित्य अभियुक्ता योगक्षेमं योगक्षेम परमात्मा कहते मेरा संग छोड़ना नहीं मेरी शरणागति छोड़ना नहीं मेरा स्मरण छोड़ना नहीं मेरा हाथ पकड़ के चलो मैं तुम्हारा हाथ पकड़ के चलूँगा इतनी तमाम बात है किंतु हमने वासना को पकड़ा है वास मी वस मस उपवास कहते हैं ना उप समीपे बैठना परमात्मा का सामीप्य हमने छोड़ दिया है लोग पूछ रहे हैं क्या भगवान है क्या ये कोरोना आया हमारे सामने कितने लोग दुखी है कितने लोग मर रहे हैं अकारण ही ये मजदूर लोग चल के चल के अपने गांवों में जा रहे हैं क्या जरूरत है उनको सरकार भोजन भी तो दे रही थी उनको पैसे भी तो दे रही थी किंतु भड़का गया किसने किया ये हमारा विषय ही नहीं है क्योंकि गीता स्वयं भी पॉलिटिक्स सिखाती है और बताती है हमें उन क्यों गीता का पॉलिटिक्स जो है लोग कल्याण के लिए है और ये लोगों के विभाजन के लिए लोगों के पाँव जल गए हमने श्रवण को देखा दो एक तराजू के जैसे माता पिता को और यहाँ ये कोरोना में माता पिता को बैठा करके अनेक श्रवण लेके जा रहे थे अपने बच्चों को लेके जा रहे पीने के लिए पानी नहीं है खाने को भोजन नहीं है और उस बैसाख का जो अंगार उगलता आसमान है नीचे धरती नंगे पांव पांव सड़ गए जल गए फिर भी लोग जा रहे हैं तो उस समय मन में एक प्रश्न होता है द्रौपदी का चिरण हरण हुआ तो भगवान आए उसके लाज रख ली आप जो हम कष्ट में हैं तो भगवान नहीं है क्या क्या भगवान दया का सागर नहीं है क्या भगवान करुणा निधि नहीं है क्या उसका दया का समुद्र सूख गया है ऐसा नहीं है ये हमने बहुत बड़ी कोठी बना ले और बहुत सारा इलेक्ट्रिक फिटिंग भी करा ले स्विच डाउन अप करे किंतु बिजली लाइट नहीं होती है क्यों नहीं होती है क्योंकि हमारा कनेक्शन नहीं है कनेक्शन होना चाहिए म्यूनिसपालिटी का नल तो हमने ले लिया किंतु कनेक्शन नहीं लिया जल नहीं आएगा हमने परमात्मा के साथ में अपना कनेक्शन छोड़ दिया क्या है क्या लोग कहते हैं दुख में सुमिरन सब करे सुख में करे न कोई जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को हो ईश्वर ने हमको शांति दी थी ईश्वर ने हमको शाता दी थी ईश्वर ने हमको मांगल्य प्रदान किया था ईश्वर ने हमारी प्रत्येक व्यक्ति की योग्यता के अनुसार सब कुछ दिया था किंतु हमने ईश्वर को भूल गए थे आप अल्लाह कहो ना और मस्ता कहो भूल भाल गए थे हम परमात्मा की जो दृष्टि है करुणा क्षमा उदारता शील लज्जा मर्यादा तमाम को हम भूल गए थे फिर जब हमारी प्रकृति विकृत हो जाए तो प्रकृति क्या करेगी दिखाव में तो हम मानव हैं कैसे प्रकृति में नहीं है विकृति में है आकृति में है आवृत्ति में है किंतु प्रकृति में प्रवृत्ति में नहीं है विकृति में है तो इसी बात को एक हमारी प्रकृति क्या होनी चाहिए विकृति कैसे नहीं हो यह संदेश लेकर के गीता आई है आइए हम उन तमाम गीताचार्य को प्रणाम करें और अगले इतवार को पुनः मिलेंगे सभी का मंगल हो सभी का शुभ हो सभी का कल्याण हो ओम नमो भगवते वासुदेवाय